अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे हीरो साहब को। मैं एक चीज इनके बारे में कहना चाहूंगा कि जब भी ये स्क्रीन पे अपीयर होते हैं, चाहे ये कॉमेडी करें, एक्शन करें, रोमांस करें, मतलब धरती फाड़ कर आए, कांच तोड़ कर आए या डांस कर कर आए, जब भी अपीयर होते हैं लोग एक ही चीज कहते हैं, वो देखो आ गया हीरो। नमस्कार, प्रणाम। आज हीरो आप लोग बहुत साल बाद मुझे देखने वाले हैं। पक्का गोविंदा छाप सिनेमा है। आप लोग आप लोग एंजॉय करेंगे एंड उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मसाला है, हाँ पक्का है। मुझे दिल में लगा करता था कि ये कठिन समय जो होते हैं, ये जिंदगी में जिस वक्त आ जाते हैं तो राइट डिसीजन आवश्यक होता है। तो इस थॉट पे ही मैंने सोचा कि फिल्म की शुरुआत हो, टेक अ राइट डिसीजन, बी अ हीरो इज थॉट ऑफ दिस फिल्म। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा किरदार निभाऊं इसमें पुलिस वाले का, जो हंसते हंसते ये सब समझाए कि भैया ये सब हो रहा है और इससे कैसे हम निकले। तो यंगस्टर्स के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप जिस वक्त इन्वॉल्व होते हैं और एक्ट कर रहे होते हैं तो आप फिर उस एक्ट के हिस्से में, मुमकिन है कि आप उसमें, ईश्वर ना करे कि फंसा दिए जाए, तो वो फंसे नहीं और उसमें से बाहर निकले, उसके लिए महत्वपूर्ण है कि मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, हाउ वाज एक्सपीरियंस वर्किंग विद सर? आप लोगों ने महाराजा फिल्म साथ में की थी। ही इज फिनोमिनल परफॉर्मर, फिनोमिनल एक्टर। इट्स माय ऑनर, माय प्रिविलेज दैट ही हैज बीन लाइक अ माय हीरो, समबडी आई हैव ऑलवेज अडोर्ड, वेदर इट्स डांसिंग, वेदर इट्स कॉमेडी, वेदर इट्स इमोशनल सीन्स, और तभी आंखें रिलीज हुई थी एंड मैं बहुत बड़ी फैन थी गोविंदा के साथ, मुझे स्क्रीन टेस्ट कर रहा है। तो आई रिमेम्बर स्टैंडिंग, आई थिंक यहीं पे अंधेरी में हम लोगों ने वो स्क्रीन टेस्ट किया था, उस बंगले पे। तो ही वॉक्ड इन और वो जो दृश्य है मैं आज तक भूल नहीं सकती, बिकॉज दैट वॉज रियली, यू नो, चीची वॉकिंग थ्रू द गेट्स, ही वॉज वेरी वाइट, आई स्टिल रिमेम्बर दैट, इट वॉज 20 years अगो। और लोग चढ़ रहे थे, गिर रहे थे, गिरते पड़ते ऑटोग्राफ मांग रहे थे, क्योंकि आंखें तभी रिलीज हुई थी, इट वॉज क्रेजी। And that was, you know, truly the title of this film. And I was like, hero aa gaya. एक चुम्मा तू मुझको उधार नहीं दे और बदले में और बदले में। जो थोड़ा बहुत अगर मुझे compliments मिलता है लोगों से आज भी अपने dancing पे, जो थोड़ा बहुत मैं सीख पाई हूँ इस industry में, the first teacher was Chichi. On my outdoor, he was the one who taught me how to say my dialogues, क्योंकि मैंने कोई acting की training नहीं ली थी। और मुझे याद है हम लोग गोभी चट्टी पलेम में shoot कर रहे थे, मैं काली हो गई थी, मैं already थोड़ी सी काली हूँ, I was born tan, but चीजें, I was wearing this outfit, I was wearing something in white, हम लोग वो shot कर रहे थे, remember? Then what? That's so terrible. ये आई गई बंदा था shot. मैं डांस कर रही थी, मैं फोकस नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरी आंखें जो है ऐसी हो गई थी, इट वाज हॉट, इट वाज सम 45 degrees Celsius और मैं वाइट कपड़े पहन के, मैं काली हीरोइन वहां पे खड़ी थी, चीची कम्स और मैं आधे घंटे से वहां पे रिहर्सल कर रही थी कि चीची के साथ मुझे डांस करना है तो मैं पागल लगूंगी। तो आई हैव रिहर्स्ड विद द डांस कोरियोग्राफर, चीची आए, तो उन्होंने कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेप वेब सारा दिखाया, जो थोड़ा बहुत मैंने आधे घंटे से मैं सीख रही थी वो मैं भूल गई, क्योंकि चीची स्टेप करते नहीं है, चीची समझते हैं और इमोट करते हैं स्टेप को। तो वो डांस का, तो एक्चुअली जब मैं पूरे ट्रेलर को देख रही थी, उनके गाने को देख रही थी, मैं चीची को बोल रही थी मैं आपकी डांसिंग को देख ही नहीं रही हूँ, क्योंकि
आप जो भी करते हैं आप डांस अपने चेहरे से करते हैं बिकॉज यू डोंट नीड टू सी हिम डांस यू सी अ क्लोज अप ऑफ गोविंदा एंड यू फील द मस्ती यू फील द एनर्जी एंड आई रिमेम्बर दैट शॉट मैं ट्राई करी थी आई थिंक कुछ 10 रीटेक हो गए थे क्योंकि ऑब्वियसली मेरी वजह से तो आई थिंक वो थक के उन्होंने मुझे साइड में लिया अपनी काली हीरोइन को साइड में लिया उन्होंने और बोला कि फील द स्टेप एंड फ्रॉम दैट डे ऑन दैट्स व्हाट आई डिड सो दैट यू नो व्हाट यू सी ऑफ मी ऑन स्क्रीन नाउ व्हेनेवर आई डू अ डांस आई थिंक कि अगर गोविंदा होती तो कैसे करते हैं इसको सो आई ट्राई टू ऑलवेज कॉपी दैट